हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम और जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और जैसा कि कल मैंने अपनी पोस्ट डाली थी कि थोड़ा सा ट्रबल में हूँ, इंश्योरेंस के खिलाफ मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस की धांधलेबाजियों के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ, और मेरा ग्रुप भी है मेडिकल करप्शन से रिलेटेड। और मैं आप लोगों से भी बोलूँगा, जिनको उसमें शामिल होना हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है मेरे हॉस्पिटल के ऊपर कि आप इनको बोलें, इस डॉक्टर साहब को। हालांकि मैं उस हॉस्पिटल से अटैच हूँ, विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने पेशेंट में एडमिट करता हूँ और मैं किसी भी हॉस्पिटल से कोई पेशेंट नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी के गलत कामों में भागीदार बनना नहीं चाहता हूँ, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो बड़ा हॉस्पिटल हो। सिर्फ मुझे पेशेंट एडमिट करने होते हैं, इसलिए घर के बगल में एक हॉस्पिटल है तो मैं वहाँ अपने पेशेंट एडमिट करता हूँ, और मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं होती किसी भी हॉस्पिटल के, और ना ही मैं अब जाता हूँ कहीं देखने के लिए। जैसे कि मैंने वो मेडिकल इंश्योरेंस पे वीडियो डाला था, वीडियो वायरल हो गया, करीब 1 लाख के ऊपर उसके ऊपर व्यूज हो चुके हैं, और एक कंपनी का जिसमें नाम लिया गया था, हालांकि सच बोलूं तो उस कंपनी के खिलाफ नहीं था, एक मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी, एक न्यूज़ दी थी कि इस तरह से ये ऐसा ऐसा हुआ है घटना, जो कि ठीक नहीं है आने वाले वक्त के लिए, ना हॉस्पिटल के लिए ठीक है, ना इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ठीक है, क्योंकि इससे आपस का ट्रस्ट थोड़ा और कम हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब उस इंश्योरेंस कंपनी ने उस मेरे हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर डाला है, उनको मेल करा है कि आप इस डॉक्टर साहब को समझा दो, इनकी काउंसलिंग करो। ये तो सिर्फ मेल में लिखा है, लेकिन हॉस्पिटल मेरे से ये कह रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम आपके साथ एसोसिएशन ख़त्म कर दें और आपको यहाँ पे पेशेंट एडमिट करने की जो मंजूरी है वो मना कर दें, मतलब आप और आपको ओपीडी भी ना करने दें, मतलब ये एसोसिएशन ही ख़त्म कर दिया जाए जिससे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। और इस हिसाब से तो वो मुझे किसी भी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होने नहीं देंगे जहां जहां मैं जाऊंगा। तो क्या है, तो क्या डर के बैठ जाऊं क्या? जो लड़ाई शुरू करी है उसको मुझे लगता है कि अंतिम रूप, अंतिम उसके पड़ाव तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, सच बोलना जरूरी है। सच और झूठ की लड़ाई बहुत लंबी चलती है, कई बार जीत मिलती है, कई बार हार भी मिलती है, क्योंकि कलयुग है, जमाना ऐसा है। पर मैं सच बोलूं तो ये, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, आज भी मिडिल क्लास ही मानता हूं मैं अपने आप को, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है आप भूखे तो नहीं मरोगे, लेकिन अगर आप गलत ढंग से प्रैक्टिस ना करो, और मैं खुद भी वैसे मस्त रहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी अमीर डॉक्टर हैं जिन्होंने पैसा कमाया उन्होंने सब गलत ढंग से कमाया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलो भगवान ने मुझे जितना देना था दे दिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ चुका है इस समाज के लिए कुछ करने का, कुछ आवाज़ उठाने का। आप मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट मान सकते हैं मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो कौन आवाज़ उठाएगा बताओ? जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां, जो चंद मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत सारी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ एवरेज हैं, और कुछ क्या बोलूँ उनके लिए, कौन आवाज उठाएगा इनकी धांधलेबाजियों के खिलाफ? प्रीमियम इतने बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट इतने रो रहे हैं कि यार पिछले साल तक तो 15,000 था, आज सीधा 25,000 हो गया है, 55,000 से सीधा 70,000 हो गया है एक साल का प्रीमियम। और जब मैं आज आप इन लोगों से एक बात पूछता हूं, ये लोग बोलते हैं क्योंकि एक ही बहाना होता है कि जी ये पेशेंट को एडमिट क्यों किया, इसकी जरूरत नहीं थी, या फिर इनको पहले से कोई बीमारी थी। मैं इन दो सवालों के जवाब इन कंपनियों से मांगना चाहता हूं जो ऐसा बोलते हैं। पहली चीज, अगर, और ये एडमिट क्यों किया, अगर आप उस डॉक्टर से फोन पे क्यों नहीं बात करते हो, ये कभी भी उस कंसल्टेंट डॉक्टर से बात नहीं करते जिसने पेशेंट एडमिट किया होता, कि आप उनसे डायरेक्ट पूछें कि आपने ये पेशेंट को क्यों एडमिट किया है, हमें लग रहा है कि ये पेशेंट एडमिट करने लायक नहीं है, तो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन ये कभी भी डॉक्टर से बातचीत नहीं करते। और जिस अपने डॉक्टर को ये भेजते हैं वहां पे हॉस्पिटल में उस पेशेंट के पास जानकारी लेने के लिए, कभी ज्यादातर केसेस में उसकी डिग्री का पता ही नहीं होता कि वो उस लायक भी है, उसको डायग्नोस करने लायक भी है पेशेंट को, या उससे रिलेटेड जितनी जानकारी है उसको समझ पाने लायक है, उसकी डिग्री क्या है। मैं आप सभी पेशेंट को बोलूंगा
कि रिलेटिव को जब भी कोई डॉक्टर इंक्वायरी के लिए आता है आपके पास, आप उसका पहचान पत्र जरूर देखें और उसकी डिग्री जरूर देखें, हो सके तो फोन की डिग्री की फोटो भी खींच लें, क्योंकि इनकी असलियत सामने आनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने पास MBBS डॉक्टर तक नहीं रखे हुए हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। आपको आपके सामने जो डॉक्टर खड़ा है हो सकता है वो MBBS भी ना हो, और जिसने एडमिट किया वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। मतलब या तो हम लोग झूठे हैं या पेशेंट झूठा है, सब मजाक चल रहा है ना। जब आप पॉलिसी देते हैं तब आप पेशेंट के सारे टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं, मेरा एक सवाल है। आप क्यों नहीं पता लगाते कि इसको अंडरलाइन कोई बीमारी है या नहीं है? अगर आपको लगता है इसको पहले से कोई बीमारी और ये छुपा रहा है, तो आप टेस्ट करा के पता लगा लो ना, एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, कोई पथरी वथरी है तो छुपी हुई वो भी पता चल जाएगी, रूटीन टेस्ट करा लो, HbA1c करा लो, शुगर टेस्ट करा लो, सारे कराओ। और उसके पैसे का लेना चाहो तो पेशेंट से भी ले सकते हो, पेशेंट ने तो एक बार देने ही देने हैं, 2-3 हजार रुपये फालतू दे देगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां उस समय नहीं कहेंगी, क्यों? कि कहीं पेशेंट भाग ना जाए, किसी और कंपनी में ना भाग जाए। लेकिन बाद में जब आप लेने जाओगे तो आपके ऊपर 100 इल्जाम लगाए जाएंगे कि ये तो पहले से बीमारी थी, इसको भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। मैं तो बार बार बोल रहा हूं भर्ती होने की जरूरत नहीं है, तो आप उस डॉक्टर से पूछो ना जिसने भर्ती किया। और ये कहानी सारी लड़ाई झगड़ा तब शुरू हुआ था जब मैंने एक मेडिकल इंश्योरेंस के एजेंट को भर्ती किया था। आप सोचिए, जेन्युइन केस था, फीवर वॉमिटिंग जो भी था, तो मुझे याद भी नहीं है। और उस पेशेंट का, उस एजेंट का इन्होंने डिनायल 2-3 घंटे में कर दिया बिना पेशेंट को देखे हुए। गुस्सा इसी बात पे चढ़ा था कि आप बिना पेशेंट को देखे हुए डिनायल दे रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है सब जगह पे, और इस मेडिकल कंपनियों के ऊपर भी फाइनेंशियल क्राइसिस काफी आई है कोविड के बाद, क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पेशली मेडिकल कंपनियों के साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि पेशेंट सफर करे, क्योंकि आप तो अपने प्रीमियम बढ़ा बढ़ा के ऑलरेडी ले रहे हो, आपने तो अपने लॉसेस पूरे करने के लिए रास्ता निकाल लिया, प्रीमियम बढ़ा दिए। लेकिन वही पेशेंट जब जाता है बेचारा आखिर में और उसको भगा दिया जाता है, या उसका 70,000 का बिल बना तो उसके हाथ में 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं, बस इतना ही मिलेगा, या बाद में आओ, ये कराओ, वो कराओ, धक्के खिलाओ। और जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो बेचारा सोचता है कहाँ जाऊं धक्के खाने, कौन से कोर्ट में जाऊं, उसको बेचारे को पता नहीं चला। एजेंट अपना मस्त रहता है, उनको तो अपने से मतलब है, पॉलिसी बेचने से मतलब होता है ज्यादातर लोगों को, कुछ को छोड़ के ज्यादातर को तो अपनी पॉलिसी बेचनी है, काम खत्म। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर इंश्योरेंस कंपनियों को ये लगता है कि ये जानबूझ के एडमिट करा है, किसी फालतू में एडमिट करा है, तो आप डॉक्टर से बात करिए, या अपने डॉक्टर की उस डॉक्टर कंसल्टेंट डॉक्टर से मेरे से बात कराइए, मैं समझा दूंगा कि भाई मैंने क्यों एडमिट करा है। लेकिन ये कभी नहीं कराएंगे। इवन मैं जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी बोलते हैं कि हमारी बात कराइए, तो बात नहीं हो पाती है, सच बता रहा हूं। कितनी बार मैंने कोशिश करी बात करने की, लेकिन नहीं हो पाती, और हमारा सारा टाइम इस कामों में निकल जाता है और हम एक्चुअल ट्रीटमेंट से भटक जाते हैं। ये बात भी सच है, कुछ पेशेंट एडवांटेज उठाने के लिए हमें बोलते हैं कि हमारा बिल बनवा दो, हमारा ये करा दो। मैं तो साफ साफ मना कर देता हूं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बकवास मत करो, तुम्हें कहीं और जाना है जाओ, मेरे से ये फालतू की बातें मत करना। ये बात फैक्ट है कुछ, लेकिन ये चंद पेशेंट होते हैं, ऐसे चंद लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान हैं, प्रीमियम भर भर के परेशान हैं, और आखिर में जब मेडिक्लेम लेने का वक्त आता है तो हाथ में क्या मिलता है। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जिनको मिल जाता है, या कुछ कंपनियां अच्छी मिल गई, उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन चंद कंपनियां इस लेवल पे आ चुकी हैं कि मुझे भी डराया जा रहा है कि अपना वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारा करियर में रोड़े अड़काएंगे। ठीक है, कर लो आप। मैंने बोल दिया हॉस्पिटल को, सर आप मुझे निकाल दीजिए, अपना एसोसिएशन खत्म कर दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ हैं आप लोग, मेरे साथ आज 8,35,000 फॉलोअर हैं। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये ताकत बन के सामने आएगी, अब जंग ये सड़कों पे होगी। मैं आप लोगों से बोलूंगा जो मेडिकल करप्शन के खिलाफ हैं, जो जिन लोगों के साथ मेडिकल इंश्योरेंस ने इस तरह के काम किए हैं, धोखे दिए हैं, आप सब लोग, अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को जंतर मंतर पे चलना पड़ेगा मेरे साथ। खाली ये नहीं कि मैं अकेला वहां पे खड़ा हो जाऊं आवाज लगाने उठाने के लिए, आप लोगों को साथ में चलना पड़ेगा। सरकार आवाज सुनती है, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मेरे कई वीडियो के थ्रू सरकार ने आवाज सुनी है। मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि आवाज नहीं सुनती, लेकिन उसको सुनाने के लिए थोड़े एफर्ट्स चाहिए, वहां तक बात पहुंचाना भी तो चाहिए, उनको पता भी तो लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कितने केसेस कोर्ट में जा रहे हैं, हर रोज की कहानियां हैं, लेकिन शायद मजबूरी होगी सरकार की, कोई मुझे लगता है।
तो हमें अपना काम करना है, कंपनियां अपना काम करें, प्रेशर डालना है, जो मर्जी डालें, जो अत्याचार करना है मेरे साथ करें, लेकिन मेरे साथ आप लोग हो इसलिए मुझे किसी डर की जरूरत नहीं है। और मेडिकल करप्शन से रिलेटेड अगर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप करें। और अभी फिलहाल के लिए मैं विकासपुरी में ओपीडी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसी प्रेशर के चलते मेरा एसोसिएशन अभी फिलहाल खत्म हो गया है। आगे क्या होगा मैं कहां बैठूंगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं सुबह मॉर्निंग ओपीडी अपने ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन वाले क्लिनिक पे करूंगा। हार नहीं मानूंगा, झुकूंगा नहीं, क्योंकि सच बोलता आया हूं, सच बोलता रहूंगा। घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, फिर बोलूंगा घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को मेरा ये पसंद नहीं आती, ये लगता है ये बड़ी बदतमीजी और ये गलत सेंस में बोलते हैं। सर जिंदगी घंटा बन के ही रह गई हमारी, इस तरह से इधर से ठोकर मारता है, इधर हॉस्पिटल ठोकर मारता है मरीज, इधर इधर इंश्योरेंस कंपनियां ठोकर मारती है मरीज उधर, और इस तरह से लोलक दोलक पेंडुलम, इस तरह से पेंडुलम बन रहे हैं हम। घंटा ही तो बन चुके हैं हमारी जिंदगी। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का इतना सपोर्ट मुझे मिला है और मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी आप लोगों की तो आप लोग मेरे सब मेरे साथ उस जंतर मंतर पे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई मेरी नहीं है। मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मेरा क्या जाएगा यार इसमें, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ना मुझे कुछ मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई कदम उठाया है मैंने तो वहां उसको आगे पहुंचाने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही है। और बाकी मेरा किसी इंश्योरेंस कंपनी से पर्सनली मेरा कोई वो नहीं है, वो अपना कर्म ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक है। आप अपने अपने कर्म ठीक कर लो, आम आदमी को परेशान करना बंद कर दो तो सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। गीत याद आ गया कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जी हाँ रुकना नहीं है, चलते जाना है। संघर्ष तो होगा ही होगा, है ना, इंसान बढ़ता ही तभी है जब संघर्ष रास्ते में आता है, और मंजिल मिल जाएगी कभी ना कभी। लगे रहो मुन्ना भाई, यस लगे रहो मुन्ना भाई, थैंक यू।